अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक सिंपल सा और आसान से डिज़ाइन, जो कि मैं आपको बताऊंगी और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आपको पेंटिंग करना मैं बताऊँगी, इसमें किस तरह से पेंटिंग करेंगे, और बहुत ही सिंपल सी पेंटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो ऐसी पेंटिंग है कि जो आप भी बना लें, कोई भी बना लें, जिसको नहीं आता वो भी पेंटिंग कर सकता है। तो इस तरह से आपको छोटा सा फ्लावर बनाना है। अगर आपको फ्लावर नहीं आता है तो आप कुछ भी बनाएं, छोटा सा एक सर्कल ही बना लें और उसमें ही पेंटिंग करके थोड़ा सा देखें, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर करने आएगी। मैं बहुत आसान से डिज़ाइन आपको मतलब आसान तरीके की पेंटिंग करके बताऊंगी। सिर्फ आपको शेड देना रहेगा इस तरह से। तो मैं आज सिर्फ फ्लावर ही बता रही हूँ आपको। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारे हर डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैंने आप कोई सा भी कपड़ा ले लें जो आपके यूज़ में ना हो, बेकार सा हो, आप उसको आपके किसी काम का नहीं हो, तो इस तरह का आप कपड़ा ले लें, उस पर कोई छोटी सी डिज़ाइन ड्रा कर लें और उस पर कलर करना सीख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे छोटा सा कपड़ा लिया हुआ है, उस पर मैंने डिज़ाइन कर ली है, और ये मेरी किसी काम का नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए ये कपड़ा लिया है, और इस पर आपको मैं बता दूँगी, आपके समझ में आ जाएगा और आपको पेंटिंग करना भी आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसके और इसमें कलर आपको लेना है फेविक्रिल। यहाँ पर मैंने दो कलर, मैं हमेशा दो कलर यूज़ करती हूँ। ये मैंने फेविक्रिल का कलर लिया हुआ है, और दूसरा मैंने ये, आप ग्रीन बॉटल देख रहे हैं, ये फैब्रिक का एक्रेलिक कलर है। ये जो राउंड वाली बॉटल है वो फैब्रिक है, और ये जो चौकोन वाली सीसी है वो फैब्रिक का एक्रेलिक है। तो आप देख सकते हैं, मैंने ये कलर लिया हुआ है, इन्हीं से मैं कलर करूँगी। ये मेरा 2 नंबर ब्रश है, आप इस ब्रश से कोई भी पेंटिंग कर सकते हो, और जो बारीक डिज़ाइन होती है उसके लिए हम 0 नंबर का ब्रश यूज़ करते हैं या फिर 1 नंबर का ब्रश यूज़ करते हैं। तो मैं जो पेन वाला ब्रश होता है वो मैं हमेशा यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं ये फ्लैट ब्रश ही यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से ब्रश को हमें, आप ब्रश पे ध्यान दीजिए कि मैंने ब्रश को किस तरह से मैं ब्रश को किस तरह चला रही हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने ब्रश को फ्लैट किया, एकदम सीधा रखा है, और सीधे तरह से मैंने घुमाते हुए उसकी आउटलाइनिंग की है। उसके बाद सीधे से मैंने सीधा ब्रश करके इस तरह से अपनी तरफ शेड का अपनी तरफ करके शेड दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, शेड को हमेशा अपनी तरफ से ही दें, जिससे क्या है, आपका शेड अच्छा और क्लीन दिखेगा। और अगर आप शेड अपने से ऊपर की तरफ दे रहे हैं, जिस तरफ आप बैठे हैं, और ऊपर की तरफ शेड दे रहे हैं, अपने आगे की तरफ मतलब अपने सामने की तरफ हाथ को पीछे की तरफ करके दे रहे हैं, तो आपका शेड नहीं बनेगा। अभी इस तरह से देंगे आपको शेड तो नहीं बनेगा, जिस तरह से मैंने ऊपर वाला शेड दिया है उस तरह बनाएंगे, आपका शेड हमेशा बनेगा अच्छा। और इस तरह बनाएंगे तो थोड़ा सा आपका शेड इधर उधर भी हो सकता है। तो आप इस तरह से शेड दें, जो जिस तरह मैंने ऊपर की तरफ शेड दिया है। तो जो अगर आप पेंटिंग करने में से हैं तो आपका शेड दोनों बन सकता है, अगर आप पेंटिंग करने में से नहीं है तो आपका उल्टा शेड जो है वो इधर उधर हो सकता है। हमें लेना है, तो आप देख सकते हैं, मैंने रेड कलर लगाया है, और इसमें मैं मरून कलर का ऊपर से थोड़ा सा आउटलाइनिंग करते हुए, और इस तरह से अब हमें ऊपर से थोड़ा सा मरून कलर की आउटलाइनिंग करते हुए उसको रेड कलर पे हल्के हाथों से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है कलर, बहुत हल्का से लेना, ताकि हमारा जो रेड कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाए। तो आपको लग रहा होगा कि मैं डार्क कलर ही क्यों नहीं शेड कर ली, तो आप, मैं इसलिए डार्क कलर नहीं ले गई हूँ क्योंकि मैं मरून कलर का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, और उसका शेड ज़्यादा नहीं, सिंगल शेड नहीं अच्छा लग रहा था। इसके लिए मैंने रेड कलर से पहले एक शेड दिया है, उसके बाद दूसरा शेड मैंने मरून कलर से हल्का सा ऊपर से दिया, ताकि थोड़ा सा फ्लावर डार्क हो जाए। तो आप चाहें तो एक कलर से भी शेड दे सकते हैं। मेरा जो रेड कलर है वो थोड़ा लाइट है, इसके लिए मैं मरून कलर का शेड मिला दी हूँ, नहीं तो मैं रेड कलर से ही कर सकती हूँ इसको। आप भी कर सकते हैं, आप कोई अपना मनचाहा कलर लगा सकते हैं, अपना मनचाहा कलर लगा के पेंटिंग कर सकते हैं। तो आप ब्रश पे ध्यान दीजिए, ब्रश को मैं किस तरह से लगा रही हूँ और किस तरह घुमा रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रश को बारीकी से आउटलाइनिंग करनी है, उसके बाद ही हमें शेड देना है, और बहुत ज़्यादा कलर को डीप नहीं करना है। अगर आपका कलर ज़्यादा होता है तो आप इस तरह से हाथ पे इस तरह से ब्रश को ऐसे हल्का हल्का कर लें, जिससे कि आपका ब्रश जो ब्रश है वो थोड़ा सा, उसकी जो खूंची होती है वो थोड़ी अलग अलग हो जाएगी, तो आपका शेड बनने लगेगा, और इस तरह से आपके शेड अच्छे से बन जाएंगे।
और शर्ट के लिए काफ़ी कलर ज़्यादा ना लें क्योंकि ज़्यादा होगा तो शेड हमारा नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा कम रहेगा तो भी नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा भी हमारा कलर ब्रश में ज़्यादा हो गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर थोड़ा ज़्यादा हो गया है मेरा। तो इसको फिर से अगर आपका कलर ज़्यादा हो जाता है तो आप बॉटल पे थोड़ा सा साफ़ कर लें या तो फिर उसको कॉटन पे थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर घुमा के कॉटन पे हल्का सा लगा दें तो आपका ब्रश सही हो जाएगा, फिर से आप शेड दे सकते हो। या आपको नहीं समझ में आता तो आप उसको फिर से वॉश कर लो, उसके बाद दूसरा कलर लगा के तब शेड करो तो भी आपका शेड अच्छा बन जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं दो लिप तैयार है हमारी। अब मैं आपको तीसरी लिप भी इसी तरह से मैं बनानी है फ्रेंड्स, और बीच वाला भी हिस्सा मैंने कुछ इसी तरह से बनाया। मैंने आज के वीडियो में सिर्फ फ्लावर बना के आपको दिखाया है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा और आपको पेंटिंग भी इंशाल्लाह करने आ गई होगी इतना देख के, और इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे बनेगा भी अच्छा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मरून कलर लगा के थोड़ा सा डार्क कर दिया है, तो इसमें दूसरा कलर लगा के वाइट वगैरह कलर लगा के हमें शेड नहीं देना है। हमारी खुद ब खुद पेंटिंग इस तरह से तैयार है और अच्छी सी दिख रही है, तो हमें दूसरा कलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसमें लीफ के लिए, इसकी लीफ के लिए अगर आपको लीफ बनानी है तो मैं आपको लीफ भी बताऊंगी कि इसमें अगर इस शर्ट की लीफ देनी है तो उसको किस तरह से बनाना है। लीफ में हमें मैं आपको वीडियो बताऊंगी तब, जब आपको वीडियो दिखाऊंगी तो उसमें बनाऊंगी कि कैसे क्या कलर लगाना है। और इसकी लीफ के लिए भी हमें दो कलर चाहिए होगा, लीफ के लिए दो कलर चाहिए ही होगा क्योंकि लीफ में बिना दो कलर के हमारा लीफ जो हमारी लीफ होगी वो खूबसूरत नहीं दिखेगी, अच्छी नहीं दिखेगी। इसके लिए हमें लीफ में दो कलर लेना होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अब नीचे का शेड बराबर रहे, ऊपर नीचे ना रहे, क्योंकि बराबर रहेगा तभी जो हमारी वाइट वाली जगह छूट रही है बीच में फ्लावर के वो इस तरह से दिखेगी तभी अच्छा लगेगा। और आप बात इतना ध्यान रखें और इस तरह से शेड को पहले हल्का दें, उसके बाद हल्का हल्का आधा शेड जितना हमारा पूरा शेड है उसका आधा आप इस तरह से हल्का हल्का डार्क कर लें तो आपको फ्लावर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसी तरह से आसान डिज़ाइन बताने की कोशिश करूँगी कि आपको भी पेंटिंग करना आ जाए और आप भी अच्छे से अच्छी पेंटिंग बना सकें। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं हमारे फ्लावर लगभग पूरी लीफ तैयार है हमारे फ्लावर की। अब हमें बीज का हिस्सा भरना है। तो बीज के हिस्से के लिए हमें वाइट कलर लेना है, मैं आपको बता दूँ बीज के हिस्से के लिए हमें वाइट कलर लेना है और हमारा रेड कलर भी लगेगा उसमें बहुत हल्का सा। अगर आप जिस प्रोडक्ट में रेड कलर डिप किए हो जिससे ये सब लीफ कलर किए हो उस ब्रश को अगर उसमें कलर लगा है तो उसी ब्रश से आप ये वाइट कलर डिप करें और इसमें कलर भर दें तो हमारा हल्का पिंक सा कलर आ जाएगा। इस तरह से हमारा लगाने के बाद हल्का पिंक आएगा कलर, इस तरह से हमें भर लेना है। और आप किनारे की जगह थोड़ा वाइटनिंग कर दें, वाइट कलर को लगा के ज़्यादातर इस तरह से बराबर कर लें और बीच में थोड़ा जो रेड कलर हमारा है वो थोड़ा डार्क कर दें और इस तरह से हमें भर लेना है। इस तरह से आप किनारे को वाइट कलर लगा के आउटलाइनिंग कर लें। अगर आपसे नहीं बनता है तो पहले ब्रश को वॉश कर लें, पहले वाइट कलर लगा लें उसमें फिर हल्का सा कलर रेड वाला लेके मिक्स करके लगाएंगे तो भी आपका अच्छा सा बन जाएगा। अगर आप इस तरह से बना लेते हैं तो कोई बात नहीं, आपका और आपको ईजी हो जाएगा बनाने, आसानी होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा कलर तैयार है। बीच में हमें थोड़ा सा भी डार्क करना है उसको, हमने ये कॉर्नर पर मरून कलर लिया और इस तरह से थोड़ा सा लगाएंगे और ब्रश को साफ करके फिर से उसको रख करके इस तरह से फैला देंगे तो हमारे अच्छे से बीच वाला हिस्सा तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा चांद का शेप दे देना है हमें कलर को, बस आप देख सकते हैं अच्छा सा तैयार हो चुका है हमारा। यहाँ पे इस तरह से बराबर का शेप देना है, जो हमारा बीच का वाइट कलर है इस तरह से अच्छे से आए तो आपका फ्लावर बहुत खूबसूरत लगेगा। आप देख सकते हैं फ्लावर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा आसान से तरीका, इंशाल्लाह आप भी बना पाएंगे। आज की वीडियो देखकर आप भी कलर कर पाएंगे आसान से तरीके से, आप भी फ्लावर बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं फिर आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।